वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे एक नंबर के कान्हा जी की चोली है, इसका वीडियो अपलोड हो गया, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं। तीन चैन बनाएंगे, मैंने ये तीन चैन बना लिए। अब इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारी एक चैन में दो डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में, इस तरह से। फिर से आगे वाली चैन के अंदर एक डबल क्रोशिया, इसी में एक और बनाएंगे। ये हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई। अब इस राउंड में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर लास्ट में आ गई थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। थ्री चैन। अब इसी के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में एक बार, फिर से आगे वाली में एक, इसी के अंदर एक और बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चैन के अंदर दो बनाएंगे, इसी के अंदर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको, मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दूंगी। यहाँ पे एक तीन चैन और दो, ये तीन, ये हमारी तीन डबल क्रोशिया हो गई। दो चैन, एक दो चैन छोड़ेंगे। आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसे आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। दो चैन, एक दो चैन छोड़ेंगे। तीसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हम घेरा के लास्ट में पहुँच गए। यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दूंगी इस तरह से। और यहाँ मैंने एक डबल क्रोशिया, एक चैन छोड़ के दूसरी वाली में डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पर भी एक चैन छोड़ के सभी में मैंने एक एक चैन छोड़ी, मैंने सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। अब इसमें हम एक सॉरी स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब मैं यहाँ पर दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। दो चैन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, और एक हमारी दो की चैन डबल क्रोशिया। ये हमारे चार डबल क्रोशिया हो गए। एक दो चैन, यहाँ पर दो चैन बनाई थी, अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, ये चार, फिर से हम दो चैन, यहाँ पर चैन बनाई थी इसके अंदर, फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन, ये चार। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ मैंने दो चैन बनाई थी, इसके अंदर हम स्लिप स्टिच से
इस तरह से उड़ेंगे। यहीं से मैं दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। और यहाँ आगे वाली में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार चैन, यहाँ पर दो चैन बनाई थी, ये चैन बनाई थी, इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चार चैन, तीन चार, यहाँ चार डबल क्रोशिया इसके बीच में, यहाँ पर इसके बीच में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से चार चैन, ये चार चैन हो गई, चैन बनाई थी इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक दो तीन चार, और ये चार के बीच में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। मैं इस तरह से अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पर चार चैन बना लिए, यहाँ पर एक स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे इस तरह से, और यहाँ पर चैन के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर एक बार स्लिप स्टिच जोड़ेंगे और इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक दो तीन, और इसी के अंदर यहाँ पर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया, अब इसके अंदर चैन के अंदर हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ हुए हम, ये हम थ्री चैन बनाएंगे, ये थ्री, ये हमारी डबल क्रोशिया, यहाँ पर दो चैन बनाएंगे, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छः सात, सात डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से, फिर से हम आगे वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, और ये हमारे सात डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे इस वाली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हम अपना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं घेरा के लास्ट में आ गई, ये दो डबल क्रोशिया बना लिए मैंने, तीन चार पाँच छः, और ये हमारे सात डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे एक चैन थी, इसमें मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, स्लिप स्टिच से जोड़ा था, अब इसी के अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे इस तरह से। अब मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से, इसे हम पीछे की तरफ रखेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से इसमें डालेंगे, सभी में से
स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से जाएंगे। ये हम लास्ट में आ गए, यहाँ पर बना लिया। अब हम यहाँ पर ये चैन थी इसके ऊपर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसी के नीचे इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से फिर बनाएंगे स्लिप स्टिच सभी के ऊपर, इसी तरह से बनाएंगे सभी डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। और यहाँ पर आ गए हम, और यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया आगे वाली में, इस तरह से बनाएंगे स्लिप स्टिच। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। घेरा के लास्ट में आ गई यहाँ पे, और ये मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया है, और इसमें बनाएंगे इस तरह से। डबल क्रोशिया के बीच में हम इस तरह से बनाएंगे, और यहाँ पर नीचे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चैन बनाएंगे। यहीं से हम इसे काट लेंगे, इस तरह से हमारी ये ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये हमारे एक नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है इस तरह से। इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। ये हमारे एक नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है इस तरह से। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। और यहाँ पर मेरे ये यहाँ पर ये चैन जो मेरे ये 24 हैं, ये हमें दो में एक डिजाइन बन के तैयार होगा, इसीलिए हमें जोड़ा से चाहिए। इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं, छोटा बड़ा।